चलिए अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं जिनमें एक होते हैं असाइक्लिक या फिर ओपन चेन कंपाउंड्स, वहीं दूसरे होते हैं साइक्लिक या फिर रिंग फॉर्म करने वाले कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स को फर्दर हम होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में ब्रेक कर सकते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड से मतलब यह है कि कंपाउंड की रिंग केवल कार्बन एटम से बनी है जबकि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से मतलब होता है कि रिंग में कार्बन के अलावा कोई दूसरा हेट्रो एटम भी प्रेजेंट है होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फर्दर एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड में क्लासिफाई किया जाता है एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को फर्दर बेंजोनॉयड और नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड में क्लासिफाई करते हैं तो इस तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में क्लासिफाई करते हैं तो चलिए एक एक करके इन सारे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले कंपाउंड्स हैं असाइक्लिक या फिर ओपन चेन कंपाउंड्स इनमें कार्बन एटम्स एक स्ट्रेट चेन में या फिर ब्रांच के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं इन कंपाउंड्स को हम एलिफैटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं जैसे कि इथेन एसिटल डिहाइड आइसोब्यूटेन और एसिटिक एसिड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन एक स्ट्रेट चेन में कनेक्टेड है या फिर ब्रांच के फॉर्म में अवेलेबल है वहीं अगर हम एलिसाइक्लिक या फिर क्लोज चेन या फिर रिंग कंपाउंड्स की बात करें तो यहां पर कार्बन एटम्स एक रिंग फॉर्म करते हैं अगर रिंग में केवल कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं तो उनको हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं एग्जाम्पल के लिए साइक्लोप्रोपेन साइक्लोहेगेन एटसेट्रा आप यहां पर देख सकते हैं कि रिंग केवल कार्बन एटम से बनी हुई है वही अगर रिंग में कार्बन एटम के अलावा कोई और हेट्रो एटम्स लाइक ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन एटसेट्रा प्रेजेंट हैं तो उनको हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन को देख सकते हैं साथ ही साथ आप थायोफीन का एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर रिंग में कार्बन एटम के अलावा दूसरे एटम्स भी प्रेजेंट हैं चलिए अब हम बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें बेंजीन या बेंजीन से मिलते जुलते स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं यदि कंपाउंड में बेंजीन रिंग प्रेजेंट है तो उनको हम बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं एग्जाम्पल के लिए आप बेंजीन एनिलीन और नेपथलिन को ले सकते हैं वहीं अगर कंपाउंड बेंजीन रिंग से मिलता जुलता है लेकिन कंपाउंड में बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है तो उनको हम नॉन बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं एग्जाम्पल के लिए हम अजुलीन और ट्रोपोलोन को ले सकते हैं वहीं अगर हम हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर रिंग में कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम्स प्रेजेंट होगा जैसे कि फ्यूरोन पेरिडीन एटसेट्रा एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम उनमें प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं और इस फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर ही हम एरोमेटिक कंपाउंड की फैमिली या फिर होमोलोगस ग्रुप्स बनाते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यह उठता है कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एग्जाम्पल के लिए अगर हम बेंजीन रिंग में ओ OH लगा देते हैं तो यहाँ पर ओ OH ग्रुप एक फंक्शनल ग्रुप होगा जिसके कारण इसकी प्रॉपर्टीज़ बेंजीन से डिफरेंट हो जाती हैं वहीं अगर हम बेंजीन रिंग पर सी एच ओ ग्रुप लगा देते हैं तो यह भी एक फंक्शनल ग्रुप होगा और इसके कारण इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी भी बेंजीन से काफी डिफरेंट होगी लेकिन अल्डीहाइट के और कंपाउंड से मिलती जुलती होगी वहीं अगर हम कंपाउंड में सी ओ एच ग्रुप लगा देते हैं तो यह भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है इसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं इसकी भी प्रॉपर्टीज इस ग्रुप के प्रेजेंस के कारण बेंजीन से काफी डिफरेंट होंगी चलिए अब हम बात करते हैं होमोलॉगस सीरीज या फिर फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तो होमोलॉगस सीरीज ऐसे कंपाउंड्स का ग्रुप होता है जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं और इस सेम फंक्शनल ग्रुप के कारण इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी काफी ज्यादा सिमिलर होती हैं यदि हम ओएच OH ग्रुप या फिर अल्कोहल का एक होमोलॉगस सीरीज बनाएं तो वो हमें कुछ इस तरह से दिखेगा इन सारे कंपाउंड्स में ओएच OH ग्रुप प्रेजेंट है तो इन सारे कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज भी काफी ज्यादा सिमिलर होगी और आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर हम कंपाउंड में सी एच टू यूनिट एड करते हैं तो हमें इस सीरीज का नेक्स्ट मेंबर मिल जाता है और ये सारे कंपाउंड्स आपस में एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं जो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं वहीं अगर हम अल्केन्स के होमोलॉगस सीरीज बनाएं, तो अल्केन्स में कोई भी अदर फंक्शनल ग्रुप्स नहीं होते हैं इसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं और यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं